सो हे गाइस, न्यूज बॉय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, ठीक है। कल जो है मैंने एक न्यूज दिया था जहां पर मैंने ये बताया था कि दो जन को जो पुलिस ने अरेस्ट किया, रजत पाल सिंह एंड आशीष सौकिन, जिन्होंने जो है जेएनयू के प्रोफेसर को किडनैप किया था और जो उनको मारा था, पैसे वगैरह लूटे थे। एंड वहां पर उस आर्टिकल में लिखा गया था कि आशीष सौकिन जो है एक यूट्यूबर, बट मैंने नहीं बताया था कि कौन से यूट्यूबर, क्योंकि मैं खुद कंफर्म नहीं था। लेकिन क्या हो गया कि बहुत सारे लोग आशीष सौकिन सर्च करके ये वाले चैनल में जाके इनके वीडियोज में जाके हेट दे रहे थे, भाई तूने क्यों किडनैप किया ऐसा टाइप का। भाई मैंने अगर चैनल ही नहीं दिखाया तो जाके क्यों कमेंट कर रहे हो भाई। वैसे एक बार के लिए मैं भी यही सोचा था, लेकिन उन्होंने वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। ऑल्सो मैं उनके इंस्टाग्राम पर भी गया था, वो स्टोरीज वगैरह भी पोस्ट कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स यार, वो जेल से तो स्टोरीज वगैरह पोस्ट नहीं कर रहे होंगे, ऑल्सो वीडियोस भी वो जेल से तो अपलोड नहीं कर रहे होंगे। तो उन्होंने मेरे को मैसेज भी किया था कि एक बार क्लियर कर दो, तो मैं कर दिया। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब टोनी कक्कर के बारे में। तो टोनी कक्कर का जो न्यू सॉन्ग आउट हुआ है, जिसको जो है लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसमें व्यूज नहीं। आपको पता होगा कुछ हफ्ते पहले ट्रिगर्ड इंसान बताया था कि टोनी कक्कर जो अच्छे सॉन्ग्स बनाते हैं, पर जब वो अच्छे सॉन्ग्स बना के अपने चैनल पर डालते तो व्यूज नहीं आते। जो ऐसे टाइप के अलग टाइप के गाने होते हैं वहीं पे व्यूज आते हैं। तो जो रिसेंट सॉन्ग आउट हुआ है टोनी कक्कर का, उसी वीडियो के नीचे ट्रिगर्ड इंसान भी कमेंट किए, वो लिखे, सांसे ही तो ले रहा हूं ये भी क्या गुनाह है, द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग, लव दिस सॉन्ग, जस्ट होप दिस गेट्स द रिकॉग्निशन इट डिजर्व्स। तो उसका जो यहां पर टोनी कक्कर भी रिप्लाई किए, मींस सो मच ब्रो, मच लव। और आपको पता होगा ट्रिगर्ड इंसान को जो केआरके ने रोस्ट किया था, उसके बाद जो है केआरके को ट्रिगर्ड इंसान ने रिप्लाई किया था। अभी फुकरा इंसान जो अपने सेकंड चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहां पर वो रिप्लाई किए केआरके को, मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूं, आप देखिए। शक्ल इसकी पूरी बांदर जैसी, एक पर देखो, एक पर मतलब तुम ना एनालाइज करो, एडिटर ऐसा करो, इसकी फोटो लो, इस पे से इसके बाल हटा दो, ठीक है, गंजा हो गया। उसके बाद इसके कान वैसी बंदर वर के थोड़ा और बड़ा कर देंगे और इसकी शक्ल के आगे हम बंदर वाला म्यूजिक लगा देंगे और देखो गाइस, जेनुइन बंदर लग रहा है भाई। और देखो हंसेगा भी वैसे, 3 2 1 ये देखो बंदर। ऑल्सो फुकरा इंसान का जो एक न्यू वीडियो आउट हुआ है, सर्वाइविंग 24 आवर्स इन जंगल, एंड वो वीडियो उनका टफेस्ट वीडियो था टिल डेट, ठीक है। उसके बारे में ट्रिगर्ड इंसान भी बात किया, आप खुद देखिए। मैंने सुबह से घूम ही रहा था एंड अब भी होटल रूम वापस आया, तो मैंने अभिषेक की 24 आवर जंगल सर्वाइवल वाली वीडियो देखी। भाई हैट्स ऑफ, मैं कह रहा हूँ पहली बार किसी इंडियन क्रिएटर ने 24 आवर चैलेंज के नाम पे एक रियलिस्टिक वीडियो बनाई है। यहाँ लिंक डाल रहा हूँ वीडियो। ऑल्सो यार, केआरके वर्सेस ट्रिगर्ड इंसान से रिलेटेड एक और न्यूज है। तो एक आर्टिकल आउट हुआ, आप देख सकते हो, उसी कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड। तो उसका जो है यहाँ पर ट्रिगर्ड इंसान कहे, अरे बाप रे, मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच गई बात। ऑल्सो आप में से जो बहुत सारे लोग ट्रिगर्ड इंसान के फैन है, आपने नोटिस किया होगा, जो लाइव स्ट्रीम वगैरह नहीं करे अपने चैनल पर। तो बेसिकली वो अभी गोवा में घूमने गए, तो इसके लिए वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे। जैसे वो आएंगे वो चालू कर देंगे। वो एक ट्वीट किया था, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। भाई देखते रहे ना, आज बहुत सारे न्यूज है, काफी इंटरेस्टिंग है, सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब अब्दुल के बारे में। तो अब्दुल का एक और डिस्ट्रैक्ट आउट हो चुका, आपको पता होगा, मैंने कल के वीडियो में बता चुका हूं। तो वो डिस्ट्रैक्ट को जो है लोगों को पसंद आ रहा है, एज कम्पेयर टू उड़ता तीर, जो कि उनका पहला डिस्ट्रैक्ट है। उसी वीडियो के नीचे पीपॉय भी कमेंट किए थे, दिस रैप वॉज एक्चुअली गुड एंड यू गॉट टैलेंट, अब्यूज कुड हैव बीन अवॉइडेड इवन इन द फर्स्ट वन, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, होप यू इन्फ्लुएंस राइट इन फ्यूचर। ऑल्सो आपको पता होगा इस डिस्ट्रैक्ट में एक लाइन होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, जहां पे अब्दुल ये बोलता है कि जब अदनान 07 ने जो थगेश को चैलेंज किया बॉक्सिंग मैच के लिए, तब थगेश ने जो वो चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो डर गए। तो वो जो लाइन है डिस्ट्रैक्ट में, तो उसी को जो वो प्ले किए थे अदनान 07 अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, ये वाला वो पोस्ट किए थे, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। एंड नीचे वो एक स्टिकर भी दिया जहां पर लिखा हुआ है कम फाइट मी। और उसी को जो अब्दुल भी रीपोस्ट किया अपने स्टोरी में, जैसे कि आप देख सकते हो, एंड वो हंसने वाला इमोजी दिया। बेसिकली यहां पर वो फिर से पोक करके ये बोल रहे कि आ जाओ मेरे से लड़ो, ऐसा टाइप का। आई थिंक हो ही जाना चाहिए भाई, भाई खतरनाक होगा। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब गेमिंग न्यूज है, ठीक है। ये मतलब काफी सीरियस है, ये रिलेटेड है स्नैक्स गेमिंग से। तो रिसेंटली ना कुछ ऐसा एक इवेंट था, गेमिंग का इवेंट, वहां पे 8-bit मैडमैन एंड स्नैक्स गेमिंग का जो पंजा लड़ते हैं, वो पता नहीं उसको आर्म रेस्लिंग, तो वो करते टाइम ना स्नैक्स गेमिंग का हाथ टूट जाता है, मतलब कि शायद से ये आर्म टूट जाता उनका। तो फिर लोग बहुत कुछ वीडियोस वगैरह बना रहे हैं ना, हेट वीडियोस वगैरह, लोग 8-bit मदान को ये बोल रहे हैं कि तुमने जो हाथ तोड़ा ऐसा टाइप का, और भी मतलब बहुत कुछ टॉक्सिक वीडियोस वगैरह। तो यहाँ पे स्नैक्स गेमिंग एक पोस्ट के जहाँ पे वो बताया कि वैसे टाइप के वीडियोस ना बनाओ, नहीं तो फिर मुझे लीगल एक्शन भी लेना पड़ सकता है। यहाँ पे वो बताया एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, वी ऑल वर जस्ट हैविंग फन, नो वन ट्राइड टू बी प्रोफेशनल, नो वन वाज ट्राइंग टू शो ऑफ, नो वन हैड एनी इंटेंशंस ऑफ प्रूविंग वनसेल्फ पावरफुल, इट वाज जस्ट फॉर फन, दिस वाज प्योर बैड लक दैट दिस हैपेंड, नो कैन एवर प्रेडिक्ट सच थिंग। एंड वो बताया कि उनका जो आर्म में फ्रैक्चर हुआ है, थैंकफुली उनका रिस्ट नहीं हुआ। यस, अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। भाई बहुत गर्मी हो रहा है कसम से, ऊपर से लाइट, मेरे रूम में एसी भी नहीं है यार। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब कैरी मिनाटी एंड वरुण धवन के बारे में। ये दोनों मिले थे, ठीक है, क्यों मिले थे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं कैरी मिनाटी एंड वरुण धवन का स्टोरीज दिखाना चाहता हूं, आप देखिए। ये बताओ, एक बार लक्ष कोजी वाली स्माइल दो ना। दो ना लक्ष कोजी वाली, लक्ष कोजी, सुनो वरुण भाई, वरुण भाई, वरुण भाई, हाँ भाई, हाँ मैंने सुना आपकी मूवी आ रही है। आ रही है जुग जुग जियो। क्या बात कर रहे, एक अच्छा सा पोज दे दो ना।
एक थोड़ा और ये वाला भाई देख लो यार, देख लो प्लीज 24 जून को थोड़े 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 एक्सप्रेशन अच्छे दो ना, थोड़े और अलग। तो ये गाइस हमने आज सेल्फी खींच ली है वरुण धवन के साथ। तो यहाँ पे कैरेमिनाटी के मैनेजर दीपक भाई पोस्ट किए थे वरुण धवन कैरेमिनाटी के साथ, एंड वो लिखे फ्रॉम द सेट ऑफ ब्रांड सूट, इट वाज ग्रेट मीटिंग यू वरुण धवन भाई। तो ये देख के कंफर्म हो गया कि कुछ ब्रांड सूट था, ऐसा कोई कोलैबोरेशन वीडियो वगैरह नहीं आ रहा शायद। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, बात करते रॉनी के बारे में। तो रॉनी के उबर ड्राइवर मतलब वो उबर बुक किए थे, एंड उसके गाड़ी में आप देख सकते हो सीट में क्या लिखा हुआ है। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है प्रजक्ता विशाल करके, उनका ईमेल आईडी वगैरह भी दिया हुआ है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लिखा हुआ है। रॉनी लिखे माई उबर ड्राइवर इज यूट्यूब चैनल, हाँ लेट्स प्रैंक हिम। शायद उनको पता ही नहीं है भी एक यूट्यूबर है, काफी बड़े यूट्यूबर है। और यहाँ पे फनी न्यूज का बात हुआ था, बात करते कुणाल कामरा के बारे में। तो कुणाल कामरा के ना कुछ टाइम पहले 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे इंस्टाग्राम पर, एंड अभी फिर से 995K हो गए। तो एक पता नहीं बहुत ही सैड सॉन्ग वो लगाए थे, इमोजी आप देख सकते हो। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब दुष्यंत कुकरेजा के बारे में। तो इनका चैनल बन गया फास्टेस्ट इंडिया चैनल टू सरपास 10 बिलियन प्लस व्यूज। यहाँ पे लिखा हुआ मीट दुष्यंत कुकरेजा हुज इनक्रेडिबली अम्यूजिंग वीडियोस हेल्प्ड हिम रीच 10 बिलियन व्यूज इन जस्ट 13 मंथ्स। सो यस, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू हिम। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, अक्षय फिंग के बारे में। तो इनका जो है गेमिंग चैनल हैक हो चुका है, जैसे वो हैकर ने जो एक वीडियो भी अपलोड किया है कैसे हैक हुआ उनका चैनल, वो शेयर किए, काफी इंटरेस्टिंग है, आप खुद देखिए। रोहन भाई आपका तो चैनल हैक हो गया, रोहन भाई फिंग एक्स्ट्रा हैक हो गया, रोहन भाई अब आप क्या करो। अरे मेरे को पता है चैनल हैक हो गया है बाबा, आई एम वर्किंग ऑन इट, चल रहा है उस पे काम कर रहे हैं धीरे धीरे चीजें फिगर आउट। साला गेमिंग चैनल पे स्ट्रीम करने के लिए मैंने डाउनलोड करा स्ट्रीम लैब्स ओबीएस, ठीक है भाई, उसके अंदर चैनल लिंक करते हैं ना जिससे मतलब स्ट्रीम पे चैट वैट पढ़ सके। स्ट्रीम लैब्स वालों, स्ट्रीम लैब्स के वजह से चैनल हैक हुआ है, और वो एक ही चैनल से सारे चैनल्स लिंक थे तो वो सारे भी हैक हो चुके हैं। तो राइट नाउ आई हैव नथिंग, और हैकर ने फिंग एक्स्ट्रा पे नई वीडियो डाली है फिल्मोरा, हाउ टू डाउनलोड फिल्मोरा क्रैक्ड। एक तरीके से अभी मैं उसी की वीडियो प्रमोट कर रहा हूँ। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब इलॉन मस्क के बारे में। तो शायद से अभी ट्विटर बहुत जल्द इलॉन मस्क का होने वाला है, आपको पता होगा अभी तक ऑफिशियली नहीं हुआ है। यहाँ पे नेहा नागर एक ट्वीट की, इट्स फाइनली हैपनिंग, ट्विटर बोर्ड हैज यूनानिमसली वोटेड टू अप्रूव इलॉन मस्क $44 बिलियन। इलॉन मस्क, आई होप ट्विटर डज नॉट बिकम ए स्पेस फॉर हेट स्पीच पोस्ट टेक ओवर। क्या लगता है आप लोगों को, जब इलॉन मस्क का कंप्लीटली ट्विटर हो जाएगा अपना, देन कैसा होगा ट्विटर प्लेटफॉर्म, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट एंड निंजा के बीच जो एक मैच होने वाला है लीग ऑफ लेजेंड्स का, जो की होगा $150,000 का। इसका अपडेट देते हुए मिस्टर बीस्ट लिखे, निंजा हैज एक्सेप्टेड माय चैलेंज, $150,000 लीग ऑफ लेजेंड्स बेस्ट ऑफ 3 मैच, वी अनाउंस आवर टीम सून, 9th जुलाई लास वेगास। एंड उसका यहां पे निंजा भी रिप्लाई किया, वो लिखे दे आर ए 10 बट थिंक दे कैन बीट एट लीग ऑफ लेजेंड्स। एंड मिस्टर बीस्ट को टैग भी किया, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। क्या लगता है आप लोगों को, कौन जीतेगा, निंजा या फिर मिस्टर बीस्ट, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना का जो प्रोजेक्ट है पगल, उसका जो टाइटल ट्रैक आज आ रहा है उनके चैनल पर, यस अभी तक आया नहीं है, जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक तो आ चुका होगा, लिंक मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे न्यू वीडियो का बात करेगा, तो बात करते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल का जो न्यू वीडियो का शूट चल रहा है, तो कहाँ पे शूट हो रहा है उनका वीडियो आप खुद देखिए। 24 घंटे सोया नहीं, और ये बाहर ले आए सारे हराम जाते, सुबह शूट है, कहाँ फंसे पड़े हैं हम भाई, जन्नत भाई, बहुत सही। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।